हम नेक्स्ट चैप्टर आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंपनी रूल। तो कंपनी रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कैसे आई और कैसे राज किया, इसके बारे में हम जानेंगे। ये आपको उस टाइम को मैप दिया हुआ है जिसमें मराठा एम्पायर, राजपूताना, मुगल एम्पायर और इज़माम्स टेरिटरी, इन सब के बारे में आपको डिटेल दिख रही है, तो ये आप भर लेंगे। सो हियर वी गो विथ अवर न्यू टॉपिक, अराइवल ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में कैसे आई, कब से स्टार्ट हुआ, ये सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बिफोर डिस्कसिंग अबाउट दिस, लेट अस ब्रीफ टॉक अबाउट द स्क्रैम्बल ऑफ पावर। स्क्रैम्बल ऑफ पावर मतलब पहले ये वेस्टर्न कैसे फैला, वेस्टर्न यूरोपियन अदर कंट्रीज में कैसे कैप्चर करा उसने मार्केट, फिर हम आते हैं अपने इंडिया में। तो ब्रिटिश, पोर्टुगीज, फ्रेंच एंड डच केम टू इंडिया टू एस्टेब्लिश कॉलोनीज दैट कुड बी टर्न इन टू मार्केट्स। तो यहाँ पर वो लोग कॉलोनी बनाने के मकसद से आए थे, तो जो कि मार्केट में चेंज हुआ और ये एसेंशियल था। ट्रेडिंग कंपनी टू द ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, और ये धीरे धीरे करके ट्रेडिंग कंपनी में चेंज हो गया। अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट्स हैड सेट अप अ स्मॉल कंपनी इन लंडन टू ट्रेड। अब यहाँ पे आपको शुरुआत बताई जा रही है कैसे हुआ, ठीक है। तो इंग्लिश मर्चेंट्स के एक ग्रुप, मर्चेंट्स यानी जो काम करते हैं व्यापारी, व्यापारी उनके व्यापारियों के ग्रुप ने ऐसा तय किया कि हम एक अपनी कंपनी छोटी सी खोलेंगे लंदन में ताकि वो ट्रेड कर सके। 16 सेंचुरी के अराउंड की बात है ये, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, मर्चेंट सक्सेसेड इन ऑब्टेनिंग अ चार्टर। उन्होंने एलिजाबेथ फर्स्ट से परमिशन ले ली, ब्रिटिशर्स ने लंदन में एक अपनी डाल दी। देन रूलर ऑफ इंग्लैंड ऑन 31 दिसंबर 1600, ये था इनकी शुरुआत 31 दिसंबर 1600 में। दिस ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स वर नोन एज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसी को हम बोला जाता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स थे, इन्हें अपनी कंपनी लंदन में डाला। तो लंदन में यू नो इंग्लिश इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से यहीं से मिला। तो जैसे एलिजाबेथ ने उनको परमिशन दे दी तो वो अपना धीरे धीरे क्या करने लगे, एक्सप्लान करने लगे, फिर राइट टू ट्रेड विथ ईस्ट कंपनी, मतलब ईस्ट कंपनी को वो लोग प्रचार प्रसार करने लगे और आगे उसको बढ़ाने लगे। ऐसे धीरे धीरे करते करते ये लोग इंडिया के बोलते हैं नेबर कंट्रीज तक पहुँचे। जैसे EEIC स्टार्टेड टू ट्रेड विद द ग्रुप ऑफ आइलैंड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है। अब इंडोनेशिया तक इनका पहुँच गया था, धीरे धीरे करके देखना ये कैसे अब इंडिया के तक पहुँचते हैं, देखो देखते रहना। दे एंगेज्ड वुलन क्लोथ विथ सिल्वर फॉर स्पाइसेस, ठीक है। उन्होंने ये वाला काम करने लगा, एक्सचेंज सॉरी, उन लोगों ने वुलन कपड़ों को सिल्वर से चेंज करने के बिजनेस स्टार्ट किया यहाँ पर, कि हमारे यहाँ ये ज़्यादा होता है तो आपके यहाँ ये ज़्यादा होता है, तो अपन इस दोनों का एक्सचेंज करते, दोनों को फ़ायदा होगा, ये उसका करने का मकसद था। तो यहाँ पे फिर उन्होंने कार्गोस धीरे धीरे चालू करा। कार्गोस क्या होती हैं, गुड कैरिड्स ऑन अ शिप, एयरक्राफ्ट्स और मोटर व्हीकल्स, ठीक है, इसे कार्गोस बोलते हैं। तो इन्होंने इंडियन क्लोथ पे नज़र की गई कि नहीं, इंडियन क्लोथ बहुत वुलन बहुत अच्छा है यहाँ पे वो है, तो इन्होंने सोचा कि नहीं हम यहाँ पे भी अपनी ट्रेडिंग शुरू करते हैं। तो इन्होंने 1608 में एक कैप्टन हॉकिंस नाम था जिन्होंने जहांगीर कोर्ट्स में एक परमिशन लेटर डाला टू इंग्लिश ओप ट्रेडिंग ओपन पोस्ट। इस पोस्ट में उन्होंने डाला था कि हमें सूरत में अपनी कंपनी खोलने की अनुमति दी जाए, ठीक है, जहांगीर की कोर्ट में। उस टाइम पे जहांगीर रूलर था इंडिया का। तो जहांगीर की कोर्ट में जैसे ये प्रस्ताव रखा गया, जितने भी सूरत के व्यापारी थे, क्योंकि ये जानते थे कि बाहर की चीज़ें अंदर आ रही है, ठीक है, इन लोगों को अकल आ गई थी उस टाइम ही कि बोले बाहर की चीज़ें जब इधर आएगी तो लोग क्या करेंगे, बाहर की चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, फिर हमारी चीज़ें कम बिकेगी। सो इन लोगों का पहले ही था अपोजिशन, पहले से चल रहा था, इन लोगों ने बिल्कुल मना कर दिया, साफ बोल दिया कि नहीं भाई हमको बाहर के ट्रेडर्स की ज़रूरत नहीं है, हमारे इंडिया में जितना है उतना बहुत है। अब यहाँ तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हार मानना नहीं था, इंग्लिश लोग बहुत ज़िद्दी, तो फिर उन्होंने एक और बार ट्राई किया। इन्होंने इस बार क्या किया, जहांगीर तो पिघलने वाला नहीं था, तो दूसरा बहामानी रूलर के पास गए। बहामानी एक गोलकुंडल का रूलर है जो साउथ इंडिया का है, तो उसके क्योंकि वैसे ही लैक ऑफ यूनिटी तो थी अपन लोगों में पहले, इसी कारण क्या हुआ कि वहाँ के रीजनल थोड़े से एब्सेंस ऑफ माइंड बोलेंगे आप बोले कि उन्होंने उनको हाँ बोल दी, तो इस यहाँ कंपनी ट्रेडिंग शुरू हो गई, एम्बिशियस हो गई और फर्स्ट फैक्ट्री इनकी डल गई मसूली पट्टनम 1611 में, जो कि काय की फैक्ट्री थी, इंडियन सॉइल की, ठीक है। तो मसूली पट्टनम कहाँ है, मसूली पट्टनम साउथ ईस्टर्न में है इंडिया के। और 1612 में ये फिर एक और ट्राई मारते हैं, क्या करते हैं, जहांगीर के पास फिर जाते हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए, इसके बड़े एम्पायर जो जेम्स वन थे उस टाइम पे, इनके एम्पायर चेंज होते रहते थे टाइम टू टाइम, ठीक है। तो जहाँ फिर दूसरे गए,
किंग ऑफ इंग्लैंड, जो बहुत ज़्यादा अच्छी पोस्ट वाले, मतलब इस पहले वाले से बड़े वाले अहदे वाले सरकारी ऑफिसर इसके पास गए जहांगीर के पास कि भैया अब हमको परमिशन दे दो करके। इनका नाम था उस टाइम पे सेंटेस्ट अम्बेसडर सर जॉनसन रॉय टू द मुगल कोर्ट। ठीक है, इन्होंने अपने अम्बेसडर को भेजा। रॉय क्या हुए इस परमिशन को लेने में, तो रॉय इस परमिशन को लेने में सक्सेसफुल हो गए और उन्होंने सूरत में अपनी फैक्ट्री डाल दी। और सूरत जैसे जैसे रॉय मतलब आगे बढ़ते गए, सूरत 1619 में जब वो यहाँ से जा रहे थे तब पूरी 4 फैक्ट्री उन्होंने डाल चुके थे, सूरत, आगरा, अहमदाबाद और भरूच में। सो यहाँ पर क्या हुआ, मद्रास के एरिया में लोकल रूलर ने बिल्ड किया ट्रेडिंग पोस्ट, और ये आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिख रही है, ऐसे करके उन्होंने ट्रेडिंग आइटम्स जो है वो सूरत में बना ली थी। अपलोडिंग कैसे करना है, सामान कैसे ले जाना है, सब आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, फिर 1668 में कंपनी गॉट आइलैंड ऑफ बॉम्बे फ्रॉम किंग चार्ल्स सेकेंड ऑफ, कंपनी को एक आइलैंड दिया गया बॉम्बे के द्वारा जो कि इंग्लैंड के किंग थे। ये चीज़ें उन्हें कहाँ से मिली थी, तो उन्होंने एक पोर्टुगल गर्ल से, प्रिंसेस से शादी की थी, तो उन्हें ये दहेज में मिली थी। और एक 1661 में फर्स्ट ट्रेडिंग कंपनी बंगाल में बनाई, पोस्ट इन बंगाल एट हुगली, नाउ इट इज़ हुगली नॉट हुगली। एज देयर ट्रेड एक्सपांड द कंपनी इनक्रेज मर्चेंट्स एंड ट्रेडर टू कम सेटल नियर द फैक्ट्री। जैसे जैसे बढ़ती गई इनकी फैक्ट्री वैसे वैसे यहाँ पर ट्रेडर्स बढ़ते गए। अब क्या हुआ कि बाहर के देशों के ट्रेडर्स यहाँ पे आने लगे पोर्टुगीज में। यहाँ फर्स्ट यूरोपियन ट्रेडर्स जो अराइव हुआ इंडिया में, वास्को डिगामा, ये सी रूट, इन्होंने ही सी रूट जो बोलते हैं इंडिया तक लाए थे 1498 में, इन्होंने ही सी रूट डिस्कवर्ड किया था। और वास्को डिगामा के आने के बाद यहाँ पे कंपनीज के ट्रेडर्स डच, डेनिश सब में इनकी और फैलने लगी। 17 सेंचुरी तक ये बहुत ज़्यादा इंडिया में फैलने लगी थी, ये जो इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी है। यूरोपियन ट्रेडिंग भी कंपनी यहाँ प्रेजेंट होने लगी। जो वास्को डिगामा है वो यूरोप से आया था, तो उसने क्या किया, सी रूट यहाँ पे बना दिया न्यू वाली, जिससे ईजिली कुछ भी यहाँ से वहाँ ट्रेडिंग हो पा रही थी। सो वहाँ के ट्रेडर्स भी यहाँ आकर ट्रेडिंग कर रहे थे, सब जो बोलते हैं इंडियन कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस सच एज पेपर, क्लोव्स, कार्डमोन एंड सिनामोन, ये सब ये लोग क्या करते थे, हाई प्राइस में यूरोपियन मार्केट्स में जाके बेचते थे इंडिया का चीज़। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ये इजीली उगा लिया जाता था, सस्ते में उनको मिल जाता था, लेकिन वो बाहर कंट्रीज़ में जाके इसे महंगे बेचते थे, जिनसे इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। और इससे उन्होंने बहुत ज़्यादा इस अर्निंग से बहुत ज़्यादा फ़ायदा, मुनाफे से और ज़्यादा कंपनीज़ को डेवलप किया और ज़्यादा फैक्ट्रीज़ को अपडेट्स किए, ताकि इसमें और माल जो बोल सकते हैं कैरी कर सके। उन्होंने शिप्स बनाए, सैंक्स बनाए, ताकि और जल्दी जल्दी ये लोग ट्रेडिंग को बढ़ा सके। सो ये था ये वाला हमारा पोर्शन, लेट्स ट्राई वन मैं आपको सेंड कर दूँगी। गुड बाय ऑल ऑफ यू।